कांग्रेस की सरकार थी बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन हम वर्तमान में अभी कांग्रेस हम वर्तमान में कांग्रेस की सरकार की आवाज से हमारे प्रधानमंत्री चेताएंगे। और वो देखिए आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपको ये नहीं मालूम है सरकार किसकी थी? मैंने बोला था सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन अभी हम वर्तमान में अगर जी रहे हैं तो वर्तमान की बात करनी चाहिए। वर्तमान की बात करने आ गए हैं मगर ये नहीं पता है कि क्या कुछ हुआ है। तथ्यों पे दिया गया है वो फैसला, भावनाओं पे क्या मिले थे? अपना कोर्ट कोई भावनाओं पे नहीं चलता है। आप एक फैसला वर्डिक्ट बता दो कोर्ट का, सुना था फैसला आपने? पढ़ा है पूरा फैसला? फैसला पढ़ा है मैंने और सुना भी था। पूरा पढ़ा है तो बताइए मुझे उसमें क्या लिखा था, कौन से पेज पे कोर्ट कर रखा है? जो आई थी बात वो भावनाओं के आधार पर, भावनाओं पे अपना कोर्ट नहीं चलता, तथ्यों पे चलता है। जो नीचे वहाँ पे खुदाई में तथ्य मिले थे एसआई ने जो निकाला, खुदाई में तथ्य तो अगर अभी खुदाई की जाए ना तो सबसे ज्यादा बौद्ध विहार मिलेंगे। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है अभी कुछ लोग हैं, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि क्या कुछ रहा है, क्या कुछ हुआ है कश्मीरी पंडितों के लिए। आपको रोडों पर आना पड़ा, आप खुद देख सकते हैं, हमने कल की ही न्यूज देखी, एक बैंक कर्मचारी को वर्किंग टाइम में बैंक के अंदर घुस करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ये किस तरीके सरकारी तंत्र से खिलवाड़ है जो बैंक कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। तो आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की हत्या, क्या कश्मीरी पंडितों की ही हत्या है? क्योंकि दलितों के साथ लगातार अत्याचार होता आ रहा है, लगातार उनकी मौतें होती आ रही है, उनकी हत्या होती आ रही है, उसके लिए आप कभी इस तरीके से सड़कों पे नहीं उतरे, क्या है? ऐसा नहीं है, हत्या बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है, हत्या है, चाहे वो दलितों की हो, चाहे वो किसी विशेष समुदाय की हो। लेकिन हमारा तात्पर्य ये है, अभी हाल फिलहाल में जो कश्मीरी फाइल्स मूवी जो दिखाई गई थी, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो अब कहाँ गया आपका कश्मीर का प्रेम, अभी जो बैंक कर्मचारी की हत्या हुई। क्या नाम है आप? मेरा नाम जय ठाकुर है और मैं बुराड़ी से आया हूँ, मैं युवा अध्यक्ष हूँ वहाँ से। तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, जो अगर आपने कश्मीरी फाइल्स में जिस तरीके से फिल्मों के प्रमोशन के लिए अपना दर्द जो आपका झलका, वो दर्द अब क्यों नहीं झलक रहा है? हमारा सिर्फ इतना सा वाजिब है। कश्मीर फाइल के लिए भी तो आप ही लोग खड़े हुए थे, आप ही लोग सामने आए थे कि भैया जो है इतिहास को दिखाया जा रहा है, इतिहास को दिखाया जा रहा है, इतिहास को बयां किया जा रहा है। क्या एक फिल्म इतिहास बता सकती है? बिल्कुल, उन्होंने इतिहास बताया वो ठीक है, लेकिन अब जो हत्याएं हो रही है वहाँ पे ये मौन क्यों है? यहाँ भी इनका जो है इनकी आवाज़ बताइए। जब 1990 में पलायन हो रहा था, है ना, और अब भी पलायन हो रहा है, तो किसकी सरकार? फिलहाल तो जो अभी टाइम चल रहा है हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा ना, अगर अभी हमें कंट्रोल करना है, जो टाइम बीत गया, जो बीत गया वहीं से तो शुरुआत हुई है, इस बीते हुए पल से ही तो शुरुआत हुई है। आज पलायन हो रहा है, तब भी पलायन हो रहा था, इससे पहले बीच में पलायन नहीं हो रहा था कांग्रेस के टाइम पे, तब भी तो उन्हीं की सरकार थी। किसकी सरकार थी तब? सरकार बिल्कुल आप जिनकी बात कह रहे हैं उनकी सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन हम वर्तमान में अभी कांग्रेस हम वर्तमान में कांग्रेस की सरकार देखिए आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपको ये नहीं मालूम है सरकार किसकी थी? मैंने बोला था सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन अभी हम वर्तमान में अगर जी रहे हैं तो वर्तमान की बात करनी चाहिए। वर्तमान की बात करने आ गए हैं मगर ये नहीं पता है कि क्या कुछ हुआ है, हमें बिल्कुल पता थी। मैं आपसे पूछना, हाँ जी, तब किसकी सरकार थी? सरकार थी तब, उसमें कौन लोग? वीपी सिंह हमारे प्रधानमंत्री जी थे। कहाँ से थे वो, किस पार्टी से थे? जनता दल से थे। ये लगातार आरएसएस और ये सब था, आज भी वही सरकार है, 370 उसने हटाया, सारा कुछ उसने किया, तो अब भी उन्हीं की सरकार है, अब भी पलायन हो रहा है, तब भी उनकी सरकार थी, तब भी पलायन हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है तभी तो आज ये प्रदर्शन हो रहा है। केवल ढकोसला नहीं चाहिए हमें, जिस प्रकार 1990 में हमारे साथ ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ था और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा था, सेम वही परिस्थितियाँ, बिल्कुल वही परिस्थितियाँ आज दोबारा से उत्पन्न हो चुकी हैं पूरी तरीके से, और एक नफरत का माहौल पैदा हो चुका है जम्मू कश्मीर में, कहेंगे नहीं तो पूरे देश में आज ये माहौल पैदा हो चुका है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमाया हुआ है। और मैं बात करूँ अगर कश्मीरी पंडितों की, तो दोबारा से वही नरसंहार, वही
प्रताड़ित करना उन लोगों को, वो दोबारा जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में क्या खाली जो कश्मीरी पंडित है उन्हीं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या मुस्लिमों के साथ नहीं हो रहा है? जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल जो सुनने में आ रहा है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को ही दोबारा से मुस्लिम लोग नहीं है करके भगाया जा रहा है। पलायन किसका हो रहा है वहाँ पे? पलायन क्यों हो रहा है मैं यही जानना चाहती हूँ, क्यों बात कर रहे हैं? पलायन वही हो रहा है, सरकार ने केवल राजनीतिक रोटियां सेकी है कश्मीरी पंडितों के नाम पे, कुछ जमीन पर या धरातल पर उनके लिए कार्य नहीं किया है, तो उसी लिए वो पलायन करने पे मजबूर है, दोबारा से वो प्रताड़ित हो रहे हैं। पलायन तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि कश्मीरी पंडित है, पूजा पाठ इनका काम है, वहाँ पर मुस्लिम है, पूजा पाठ करवाएगा कौन, इसलिए पलायन हो रहा है। किसने बोला आपको ये? वो बैंक में जो लोगों का कहना है, बैंक में जो वो मैनेजर थे जिनको गोली मार दी गई, चाहते क्या है कि कश्मीरी पंडितों को मिले, क्या मिले और क्यों आए हैं? जवाब, बैंक में जो मैनेजर थे जिनकी हत्या हुई गोली मार के, जिनको मार दिया गया, क्या वो पूजा पाठ करने गए थे? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, क्या वो पूजा पाठ करने गए थे या अपनी नौकरी करने गए थे? वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को वो इसलिए नागवार गुजरा क्योंकि वो किसी विशेष धर्म से थे, इसलिए उनको टारगेट किया गया। किया गया नहीं किया गया, आप मीडिया में हमसे ज्यादा पता है। किस धर्म से थे? मैं जानना चाहती हूँ, हमारे जनता विशेष हिंदू धर्म से थे, जिस प्रकार 1990 में किसी विशेष धर्म को टारगेट किया गया था, उसी तर्ज पर अब दोबारा से वहां पर वही हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है, गृह मंत्रालय हमारे पास है, केंद्र की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी, गृह मंत्री जी कहाँ है? वो जो कहते थे कि चाणक्य हैं, विश्व गुरु बना देंगे, आज विश्व गुरु बन तो गया है, क्यों आपको इतनी परेशानी? कैसे बन गया विश्व गुरु बताइए मुझे, विश्व गुरु किस चीज में गुरु है? कॉरिडोर्स बना, काशी कॉरिडोर बन गया, शिवलिंग जो है आप देखिए दिखने लग गया है लोगों को ज्ञान व्यापी में, शिवलिंग के अभी राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है, चाइना टाइट हो गया, पाकिस्तान टाइट, राम मंदिर भाजपा ने बनाया है, बिल्कुल उन्होंने ये सब जीता है। सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना रखा है हम लोगों ने? सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही कहा है कि हमने भावनाओं के आधार पे जो है वहाँ पर भैया राम मंदिर ही था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना, तो सबने उसका पालन किया, यदि भावनाओं के आधार पे जो है वहाँ पे, यदि बीजेपी तथ्यों पे था, तथ्यों पे दिया गया है वो फैसला, भावनाओं पे क्या मिले थे? अपना कोर्ट कोई भावनाओं पे नहीं चलता है, आप एक फैसला वर्डिक्ट बता दो कोर्ट का, सुना था फैसला, आपने पढ़ा है पूरा फैसला? फैसला पढ़ा है मैंने और सुना भी था, पूरा पढ़ा है तो बताइए मुझे उसमें क्या लिखा था, कौन से पेज पे कोर्ट कर रखा है? जो आई थी बात वो भावनाओं के आधार पर, भावनाओं पे अपना कोर्ट नहीं चलता, तथ्यों पे चलता है, जो नीचे वहाँ पे खुदाई में तथ्य मिले थे एसआई ने जो निकाला, तथ्य तो अगर अभी खुदाई की जाए ना तो सबसे ज्यादा बौद्ध विहार मिलेंगे, तो उनको बनाओ ना, कौन रोक रहा है? हिंदू कभी मना कर रहा है रोकने के लिए? मठ मिलेंगे, तो बौद्ध की प्रतिमाएं मिलेंगी, हिंदू ने कभी बौद्ध मंदिरों का, बौद्ध प्रतिमाओं का खंडन किया या उनको तोड़ा? आप एक मुद्दा बता दो, आपने कभी? किसने तोड़ा है? जिन्होंने, जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे उन्होंने तोड़े हैं। मुस्लिम बोल रहे हैं आप, मतलब टेररिज्म, जो वहाँ टेररिज्म बोलेंगे या मुस्लिम बोलेंगे? मैं मुस्लिम पे, तो मुस्लिम आक्रमणकारी थे ना जिन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया, राज किया। टेररिज्म और मुस्लिम दोनों में फर्क नहीं है मैम, टेररिज्म अलग है, मुस्लिम अलग है, आप किसी भी धर्म को टेररिज्म से नहीं जोड़ सकते। बट उस टाइम पे कौन आया? मुस्लिमों की आप बात करें, मुस्लिमों से मैं जानना चाहती हूँ। मैम मुगल ही तो आए थे, मुगल कौन है? उस टाइम पे तो वही मुगल थे। आपने सारा इतिहास पढ़ा है, हमने भी शायद किताबों में यही पढ़ा है, अब इससे अलग इतिहास तो किसी ने छापा नहीं जो हमने पढ़ा हो। मुगलों ने वहाँ पर जो है कब्जा किया इस तरीके, यस वही निकल रहा है नीचे जो है। अब आप लोग मंदिर ढूंढ रहे हैं? मैं मंदिर नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं मंदिर नहीं ढूंढ रहा हूँ, ना तो मैंने केस किया है, हम यहाँ आए हैं कश्मीरी पंडितों जो दिलाने के लिए, कश्मीरी पंडितों को ही इंसाफ दिलाने के लिए आप सड़कों पे उतरे, हम निर्भया के लिए भी सड़कों पे उतरे थे, मुस्लिम लोग जो है उनके साथ भी वहाँ पर लगा था। कठुआ में जो 6 साल की मुस्लिम बच्ची थी, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, 6 साल की जो बच्ची कठुआ में जिसका गैंगरेप करके मार दिया गया था बुरी तरीके से, किया था आपको पता है? हम जब भी सड़क, उस मंदिर का पुजारी भी उसमें शामिल था और वहाँ के लोग कुछ स्थानीय, तो पुजारी का ही उजागर हुआ था। हाँ नहीं, और भी साथी थे उसके, हाँ। जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, सारे वही थे, हाँ। पंडित लोग ही थे, फिर वही पंडित, मैं फिर पंडित, मैं बता दिया आपको, उस मंदिर का पुजारी था और साथ में वहाँ
पूछना चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडितों का ही दुख है क्या, और लोगों का दुख नहीं है? दलितों का दुख नहीं है, बहुजनों का दुख नहीं है? मेघवाल की मौत कर दी जाती है, जफरपुर में जो सिंगर थी, दलित सिंगर थी, उसका रेप करके उसको 13 दिन तक गाड़ रखा था जमीन में, आप उसके लिए यहाँ कभी सड़कों पर नहीं उतरे, आपको कभी देखा नहीं? कितना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है ना। आप मुझे व्यक्तिगत जानते हैं कि आपने मुझे सड़कों पर देखा नहीं देखा है? आपने बोला आपको सड़कों पे नहीं देखा, सड़कों पे तो आप रोज ही घूमते हो। हमारा संगठन सदैव दबे कुचले वर्ग के लिए कार्य करता है, और मैं जो आपने बताया ना अभी दलित शब्द ये बोला जो आपने ऐड किया दलित, और ये मैं दलित ओबीसी सामान्य स्वर्ण मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता हूँ, सबको समान मानते हैं। हाँ, आज ये जो लोग खड़े हैं ना, ये सभी जाति और सभी धर्मों के लोग खड़े हैं हमारे बीच में। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि मुस्लिम लोगों की अगर मैं बात करती हूँ, कश्मीरी, कल भी मैंने जो किया था कश्मीरी पंडितों का, मुस्लिम बोला जा रहा था, टेररिज्म और मुस्लिम में क्या फर्क नहीं है? क्या मुस्लिम लोग नहीं है, इंसान नहीं है? वो हमारे देश के नागरिक हैं, समान अधिकार है उनको, बोलते हैं आप लोग, मगर टारगेट तो उन्हें भी किया। कहाँ किया है टारगेट बताइए अभी तक? कश्मीर में सबसे ज्यादा इनकी हत्याएं हुई है, मगर जो नेशनल मीडिया है, भांड मीडिया, लगातार वो ये दिखा रहा है जो मौतें हुई है कश्मीरी पंडितों की हुई है। अगर आप खंगालेंगे तो वहाँ पे मुस्लिमों की भी मौतें हुई है। किसने, किसने, लेकिन वो किसने नहीं हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का ही दुख सबसे ज्यादा लोगों को, मुस्लिम भाइयों को कश्मीर में किसने मारा, वही पूछना चाहते हैं आपसे, पूछ रहा हूँ किसने मारा, आपको पता है? टेररिज्म है वहाँ, है ना, टेररिज्म है ना, कौन है? मगर मुस्लिम बोला जाता है, टेररिज्म कौन है, कौन करता टेररिज्म बताइए? मैं पूछने मेरा सवाल, आपका सवाल का जवाब मेरा आपके पास ही है, आपसे पूछना मेरा काम है, आपका सवाल आप, अब फिर मैं बोल लूंगा, फिर आप बोलोगे कि बोल कि उस धर्म के लेके आप बात कर रहे हैं, बोल दीजिए। टेररिज्म है वहाँ पर, है बिल्कुल, है दिक्कत है वहाँ पे, लेकिन टेररिज्म किस लिए फैलाया जा रहा है? वो किसी धर्म को लेके तो फैलाया जा रहा है कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि सब ये काफिर है, इनको मार दो, ये वो, यही तो है जो आतंकवादी सोच के व्यक्ति हैं उनका क्या है पहला, यही तो है, 72 हूरों को लेके उनको उकसाया जा रहा है, किस लिए? अलग अलग तरह के लोग हैं, हर धर्म में हर तरह के लोग हैं। हूरों से आपका क्या मतलब? हिंदू धर्म में गोड़ से भी था जो आतंकवादी था, आतंकी था, गोड़ से था, ऐसे ही अब आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ आतंकी हमलों में अब जितने भी हैं तो कौन लोग, क्या मतलब प्रदर्शन किसके लिए करने आए? हम प्रदर्शन सरकार की नाकामी को लेकर करने आए हैं, आम आदमी पार्टी से सरकार बैठी है। हाँ, आम आदमी पार्टी से इसलिए भाजपा को घेरने आ गए, भाजपा को घेरने, आम आदमी पार्टी होती या नहीं होती, लेकिन अब हम जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, तो भी आए हैं, और अगर एक सामान्य मैं नागरिक होता तो भी मैं इसलिए इस प्रदर्शन में जरूर शामिल होता। देखिए, लगातार कश्मीरी पंडितों को जो है, यहाँ तो जितना भी हमेशा से बोलता है, 1990 भी जब पलायन हुआ था तब भी उनकी सरकार, अब भी सरकार, और फिर उनके जो दुख दर्द बताए गए थे उसके हालात के चलते वहाँ इन्हें अब घर मकान सब कुछ मिला हुआ है, दलित बहुजनों को तो ये एक कमरा भी नहीं दिया जाता है, मिलना चाहिए, रोटियां मिली हुई है यहाँ पर, फिर भी वही रो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। समाज के किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, ये बाबा साहब मिलेगा, बाबा साहब जो संविधान दे के गए ना, बातें हो रही है मगर मिलता नहीं है, देखा है किसको नहीं मिला है? कितने दलित, आपको पता है कितने रेयर रेयर जगह है, दलित क्यों कोट कर रहे हो, उन्हें हिंदू कोट करो, हिंदू है वो, हाँ हिंदू है वो, और कौन है वो? सावरकर ने हिंदू जो है, हिंदू कोट किया उन्हीं लोगों को ताकि वोट मिल सके, आपने पढ़ा है संविधान में? मैं आरएसएस से नहीं हूँ, मैं सावरकर को नहीं मानता हूँ, मैं बात बता रही हूँ, मैं सावरकर या किसी को भी नहीं मानती हूँ, मैं तो निष्पक्ष पूछ रही हूँ, मैं मुद्दे से नहीं भटक रही हूँ, आपसे सही सवाल कर रही हूँ, आप जवाब नहीं दे, मेरा आरोप नहीं है कि ऐसा हुआ है भाई, मैं तो आरटीआई के तहत आपको बता रही हूँ, लोगों के आरोप हैं ऐसे, मैं उनका बता रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। मैं तो आरटीआई को नहीं मानता, नहीं मानते हैं, कुछ नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तथ्यों को हमेशा छुपाया जाता है, सच्चाई को हमेशा, तो हुआ है छुपाया गया, मैं वही तो बोल रही हूँ, है वही तो बोल रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, कश्मीर फाइल में क्या छुपाया गया, आप बताइए, नहीं आपकी नजर में सही क्या है? देखी आपने? देखी नहीं मैंने, फिल्म नहीं देखी आपने? नहीं देखी मैंने, बताइए राष्ट्रवादी कैसे बनेंगे, कैसे लड़ने आ गए आप? एक फिल्म देख के राष्ट्रवादी बनते तो सब फिल्म देख के राष्ट्रवादी का परचम बोला यही जा रहा है, राष्ट्रवादी हित में बनी है भाई वो, मैं तो नहीं राष्ट्रवादी अगर हित में भी बनी है, बाकी तो हमने फिल्म नहीं है, क्या नहीं है,
एक्चुअली एक सिनेमा इतिहास बता सकता है, बताने को तो बहुत कुछ बता सकता है, इतिहास बताएगा फिल्म नहीं बताएगा, क्यों नहीं बता सकती? किताबें हैं वो इतिहास नहीं बता रही, किताबें अभी तो अक्षय कुमार भी जो है पृथ्वीराज चौहान का इतिहास बताने आ गए हैं। देखो ऐसा है कि वो तो उन्होंने तो इतिहास को ही नकार दिया। या तो आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए या आप ही बात करते दीजिए। जी बताइए। ऐसा है कि हर आदमी इतिहास नहीं पढ़ सकता, लेकिन जैसे ये फिल्म वगैरह होती हैं और भी कई साधन होते हैं, वो हम सूक्ष्म तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अपना इतिहास लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता, कुछ लोगों को फिल्म का शौक होता है। तो जो अग्निहोत्री खुद ट्वीट करते हैं कि भाई साहब फिल्म को फिल्म ही रहने दीजिए, उसे इतिहास से ना जोड़ें, अभी इस पर क्या कहेंगे? वो ऐसा इसीलिए करते हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप ना लग सके, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। पैसा बटोर लिया, पैसा तो उन्होंने बटोरा है, ये तो गलत बात है। ऐसा लोगों का आरोप है, मैं नहीं बोल रही। मैम कोई कुछ बनाता है ना तो पैसे के लिए बनाता है। आज आप यहाँ जर्नलिज्म कर रहे हो ना, आप भी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, सब इंसान अपने लिए करते हैं। उन्होंने फिल्म बनाई, फिल्म का बता रहे हैं, फिल्म की राष्ट्रीय हित में उन्होंने पैसा खर्च किया, एक फिल्म बनाई। कश्मीरी पंडितों का दुख देखा है, अनुपम खैर रो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, अब वो दिखता ही नहीं देते। मैं रो दूं तो उससे मैं सच्चाई तो नहीं बोलने लग जाऊंगा, अगर मैं सच्चाई बोलूंगा झूठ बोल रहा तो। रोना कोई ये नहीं है कि आप रो के दिखा दो तो आप सच बोल रहे हो। जानना चाहती हूँ कि वाकई में एजेंडा मूवी थी मैम? देखो उसके बाद इतनी नफरत फैली। मूवी नहीं देखी तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उसमें एजेंडा दिखाया गया क्या। हित में बनी मूवी नहीं देखी मैम? एक मूवी कोई राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकती, कोई मूवी राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकती। मूवी होती है एंटरटेनमेंट के लिए, इतिहास बताती मूवी होती है। अभी आपने मैंने ये आपने कहा कैमरा में क्या, आपने कहा कि इतिहास बताती है, मैंने कहा कि बता सकती है, एक मूवी भी इतिहास बता सकती है और भी जो जरिए होते हैं वो सब बता सकती हैं, मैंने ये कहा है। ठीक है, चलिए जिस तरीके से अभी इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का दुख है लगातार वहाँ पर, जबकि मुस्लिम जो लोग हैं मुस्लिम लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ भी लगातार इसी तरीके का पलायन जारी है, उनकी हत्याएँ कर दी जा रही हैं, लेकिन जो लोग हैं जो मीडिया है वो उस पर बात नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं कर रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि देश में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम और जातियों का भेदभाव किया जा रहा है। जाति के आधार पर लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है लड़ाइयां हो जाती हैं, नफरतें फैल जाती हैं, हत्याएं कर दी जाती हैं। लेकिन मैंने इन भाई साहब से यही सवाल पूछे तो उनसे जवाब आपने सुनाई किस तरीके से मिले हैं। इसी तरीके से देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा दिल्ली।